बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा हम जो तैयार करेंगे उसके लिए हमने देसी घी लिया है, और जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें हमारा है वो चने की दाल और ये देसी घी है। और देसी घी हमने लेना है अव्वल देसी घी, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है घी, और इनका जो नंबर है ऑनलाइन मंगवाने के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इस घी में हलवा तैयार करने की रीज़न ये है कि इसकी एक तो पैकिंग जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, यानी कि हम टिन में होता है कि हमें काटना पड़ता है और फिर उसको घी को किसी और जो है कंटेनर में हमें सेव करना पड़ता है, जबकि इसमें यह है कि ये इस तरह की बोतल में आता है और इसको हम डेली यूज़ के लिए आराम से इजीली ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आप डेली यूज़ करें इससे, कोई भी रेसिपी बच्चों के लिए अपने लिए तैयार करें। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में सहरी के लिए हम पराठे बना सकते हैं, समोसे बनाएं, कोई भी इसमें हम अपनी जो है वो तैयार करें खाना, तो उसमें ये होगा कि बहुत हैंडी है, बहुत ईजीली हम इसको बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घी का टेक्सचर देखें तो इसमें जैसे एक बहुत अच्छा इसका दानेदार टेक्सचर है, और इसमें कोई इस तरह की हीक नहीं है, कोई स्मेल नहीं है कि उसको बच्चे ना खाएं या इसमें पका हुआ खाना जो है वो आपको उसमें स्मेल आए। इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही स्मूथ, बहुत खूबसूरत टेक्सचर है, और खाने भी इसमें बहुत जो है वो मज़ेदार बनते हैं। तो हमने जो देसी घी में बनाने की कोई भी खाना, उसकी रीज़न ये होती है कि हम मोस्टली ये समझते हैं कि जो देसी घी है वो हमारे बॉडी में फैट बनाएगा और जो हमारा वेट लॉस है उसमें हमें प्रॉब्लम होगी, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, नॉर्मल जो घी होता है उससे वेट हम गेन करते हैं, लेकिन देसी घी जो होता है हमारी स्टबन फैट को वो जो है वो मेल्ट करके हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, और साथ में ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी हेयर के लिए, हमारे जो है स्किन के लिए उसमें शाइन आती है, और उसके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हम कोई भी खाना आप बनाएं तो उसके लिए अव्वल देसी घी लेके आएं, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ इसमें विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इसके बेनिफिट्स हैं। तो हमने एक कप अव्वल देसी घी ले लेना है चने की दाल का हलवा बनाने के लिए। साथ में एक कप हमने जो चाय वाला कप होता है वो मैंने चने की दाल ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश करके हमने 3 घंटे के लिए इसको भुगो के रख देना है। 2 कप हमने दूध लिया है, 3 अदद इलायची छोटी ले ली हैं, और तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने कटा हुआ नारियल लेना है, 2 से 3 टेबलस्पून किशमिश ले लेना है, इन चीज़ों को हमने वॉश कर लेना है, और 1 कप हमने लेनी है चीनी। तो चलें अपनी रेसिपी को अव्वल देसी घी से तैयार करते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने एक पैन में जो चने की दाल हमने 3 घंटे के लिए सोक करके रखी थी वो इसमें डाल देनी है। साथ में हमने 2 कप दूध लिया था वो इसमें डाल देना है, और अब हम इसे कवर करके बॉईल करेंगे जब तक कि दूध ड्राई हो जाए और दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको पकने देते हैं, उसके बाद हम इसको अव्वल देसी घी में तैयार करेंगे। तो चलिए अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक के लिए सॉफ्ट होने के लिए। दाल को हमने दूध डाल के बॉईल होने रखा था, अब ये देखें ये सॉफ्ट हो गई है, इसमें जो दूध है वो ड्राई हो गया है और दाल का जो दाना है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम बाकी का इसमें प्रोसेस करेंगे, इसको हमने मैश करना है। तो चलें बाकी का रेसिपी रेडी करते हैं। दाल में हमने दूध डाल के इसको बॉईल किया था, सॉफ्ट हो गई थी, दूध ड्राई हो गया था, फिर हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसे चॉप कर लेंगे, अगर चॉप करने में इसको ग्राइंड करने में थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम इसमें 2-3 टेबलस्पून दूध ऐड करके इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम इसको ग्राइंड कर देते हैं। दाल में हमने 3-4 टेबलस्पून दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है, और इसका इस तरह से देखें थिक पेस्ट हमने बना लिया है इस तरह का। अब हम बाकी की जो रेसिपी है उसको हमने रेडी करना है अव्वल देसी घी से।
और इसका क्योंकि अरोमा बहुत अच्छा होता है और हेल्दी होती है, और जिस तरह से क्योंकि कोरोना भी है और उसमें हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमारी गट्स में जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम जो भी रेसिपीज़ बनाएं, आप अव्वल देसी घी में बनाएं, ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से ऑर्डर करें। तो अब बाकी की रेसिपी रेडी करते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने दाल को मैश कर लिया था, जो हमने दूध में बॉईल की थी। अब हमने पैन में 1 कप घी डालना है, और घी हमने यूज़ करना है अव्वल देसी घी। इससे यह है कि जो खाने का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा बनता है और हेल्दी बनता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जो है ये फ़ायदेमंद है। अब हमने पैन में 1 कप अव्वल देसी घी डाल देना है। फिर इसमें हमने 3 इलायची छोटी, जो 3 अदद ली थी, ये डाल देनी है। अब हमने घी को गरम करना है। जब ये इसमें इलायची कड़कड़ा लेंगे, घी मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें मैश की हुई दाल डाल देंगे। अव्वल देसी घी पैन में डालने के बाद हमने अब इसमें मैश की हुई जो चने की दाल है वो डाल देनी है। अब हमने दाल को इतना भूनेंगे कि जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और घी से लैदा हो जाएगा। अब हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है अव्वल देसी घी में। हमने इसको भूनते हुए मुसलसल हिलाना है, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि ये जले ना, और साथ में मुसलसल हम इसे हिलाएंगे। देसी घी में बनाने की वजह ये है कि जो अव्वल देसी घी है कंपनी का, ये ऑर्गेनिक है और बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री है, जिससे ये हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है। कोरोना के लिए, जैसे कि आजकल कोरोना है और इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, तो उसके लिए देसी घी में हम अगर बना के खाते हैं खाना, या कोई भी रेसिपी अपनी तैयार करते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप कॉल करके ऑर्डर अपना लिखवा सकते हैं। ऑनलाइन आप देसी घी मंगाएं, और इसकी बहुत अच्छी महक है, बहुत अच्छी अरोमा आ रहा है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक टिपिकल सी देसी घी की स्मेल होती है, जिसकी वजह से वो बच्चे भी नहीं खाते और हमें खाने में से स्मेल आती है। तो अव्वल देसी घी में इस तरह की स्मेल नहीं है, और खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो अब हमारा जो हलवा है वो भूनने का इसका प्रोसेस हो रहा है। इसको हम मुसलसल हिलाते जाएंगे और इतना भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और घी जो है ये छोड़ देगी दाल। तो अभी हमने इसको भूनने देना है। दाल हमने भून ली है, अब इसमें हमने 1 कप चीनी का डाल देना है। ये देखिए, इसका घी जो है वो साइड से सेपरेट हो गया है। अब हमने इसमें चीनी डालनी है, साथ में थोड़ी सी इलायची का बीज जो है ये हमने पीस के डाल दिया। थोड़े से हम इसमें किशमिश डाल देंगे और थोड़ा सा कोकोनट, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है। आप कोई भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़े से हमने गार्निश के लिए बचा दी है। थोड़े से बादाम डालने हैं तो बादाम डाल दें, थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। अब हमने इसको पकाना है और चीनी को मिक्स करना है इसमें, और फिर इसको फर्दर भूनेंगे। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको और फिर इसको पकाते जाएंगे। अभी चीनी मेल्ट हो जाएगी, चीनी का जो है वो पानी छोड़ जाएगी, फिर इसको हमने उस पानी को भी ड्राई करके फिर से भून लेना है। चीनी हमने डाली थी और उसके बाद इसको पका के भूना था इतना कि ये देखें, अब ये चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और ऑयल साइड से जो घी था वो ऊपर आ गया है। अब हमारा हलवा रेडी हो गया है। हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हलवे को डिश आउट करते हैं। दाल का हलवा हमारा रेडी हो गया है, अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर हम किशमिश, नारियल और बादाम और अखरोट थोड़ा सा हमने काट के रखा हुआ था, उसे इसको गार्निश कर लेंगे। ये अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो भी चीज़ गार्निश करना चाहते हैं उनसे कर लें। और ये 1 कप दाल से देखें, इतना ज़्यादा हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है।
घी से हमारा दाल का हलवा रेडी हो चुका है और इसका देखें किस कदर ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसकी आ रही है। और कोई भी अगर आपने रेसिपी घी से तैयार करनी है, स्पेशली रमज़ान में आप पराठों के लिए और कोई भी जो फ्राई प्रोडक्ट्स हैं और स्वीट डिशेस के लिए अगर मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करें अवल ऑर्गेनिक फूड्स का देसी घी। और हेल्थ कॉन्शियस जो हैं अपने वेट लूज़ करने के लिए और हेल्थ के लिए इम्यूनिटी के लिए देसी घी में आप बनाएं और इसका अरोमा बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त इससे खाने तैयार होते हैं। कोई भी अगर आप रेसिपी तैयार करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवाएं और अवल की ऑर्गेनिक फूड्स जो हैं प्रोडक्ट्स वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।